हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉली जोशी, मेरे चैनल ब्यूटी क्विन में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। आप बताइए मेरा ये मेकअप कैसा लग रहा है। आज मैं आपके साथ में यही मेकअप शेयर करने वाली हूँ एंड इसका नाम है न्यू वेडिंग साड़ी लुक। तो चलिए यहाँ पर मैंने अपने फेस को फेस वॉश कर लिया था और अब मैं टोनर लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी मेकअप करने के पहले अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है एंड मैंने टोनर को सुखाने के बाद में मॉइस्चराइज़र लगाया और प्राइमर यूज़ किया है एफसी का। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, सभी स्किन पे सूट हो जाता है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर क्रायलॉन का फाउंडेशन यूज़ किया है। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है एंड सभी स्किन के अकॉर्डिंग आपको कलर भी इसमें मिल जाते हैं। और ये सब भी फेस पे सूट हो जाता है, ऑयली स्किन हो चाहे ड्राई स्किन हो चाहे नॉर्मल स्किन हो, सभी पे सूट हो जाता है। और समर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है ये। और ये मैंने यहाँ पर एफसी की ही आईब्रो पैलेट ली है। ये बहुत अच्छी पैलेट है, छोटू सी आती है बट बहुत अच्छी है। इसमें तीन कलर मिलते हैं आपको। ब्राउन कलर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये मैंने एफसी का ही कंसीलर पैलेट लिया है, इसमें भी सभी कलर आपको मिल जाते हैं अलग अलग, कोई भी नहीं ख़रीदना पड़ता है आपको, एक में ही सब कुछ मिल जाता है। अगर पार्लर के लिए आप बिगनर हैं तो आप ये प्रोडक्ट सभी ले सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल रेंज है इनकी। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सभी स्किन पे आपको सूट हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सभी वेदर के हिसाब से सूट हो जाते हैं और बहुत अच्छे भी प्रोडक्ट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं जहाँ से लेती हूँ लोकल मार्केट से, वहाँ पर ये रेंज आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिलते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बताएं, तो मैं उनका नंबर मेंशन कर दूंगी, तो वो होम डिलीवरी भी देते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑरेंज कलर यूज़ किया है कंसीलर का, क्योंकि मेरी आँख में थोड़ा सा ब्लैक डार्क सर्कल लग रहे थे मैं, क्योंकि दो तीन दिन से ठीक से सोई नहीं थी इस वजह से। तो ये देखिए, बाकी तो मुझे कोई ब्लैक स्पॉट्स नहीं है। आप इसी ऑरेंज कलर से ब्लैक स्पॉट्स भी क्लियर कर सकते हैं। ये मैंने फाउंडेशन को अच्छे से ट्रांसलूशन पाउडर से सेट कर लिया है अपने बेस को। ये भी एफसी का ही लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने न्यूड आई शेडो पैलेट यूज़ किया है, क्योंकि मुझे ब्लैक एंड रेड साड़ी पहननी थी तो उसी हिसाब से मुझे आई मेकअप चाहिए था, तो मैंने स्मोकी आइज़ करना है मुझे। ये देखिए, मैं अपनी आइज़ को उसी पैलेट से ही मैं कट कर रही हूँ, वही कंसीलर से। ये मैंने थोड़ा सा ग्लिटर लगाना था मुझे, ये मैंने रेड कलर लगा लिया उसके पहले ग्लिटर लगाने के, क्योंकि आप वो जिस कलर का ग्लिटर लगा रहे हैं उसके पहले अगर थोड़ा सा उस पर वही कलर यूज़ कर ले तो ग्लिटर बहुत ही अच्छा उठ के दिखता है। ये देखिए, अब मैंने पूरा कंप्लीट करने के बाद में, लाइनर वगैरह लगाने के बाद में, मैंने मस्करा लगाया है एंड अपनी अपनी आई लेसेस को कर्ल कर रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आई लेसेस, फेक आई लेसेस नहीं यूज़ की है, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी इस वजह से। अब मैंने हाईलाइट किया है अपनी आईब्रोज को और अब मैं यहाँ पर कंटूरिंग किया है मैंने वही एफसी का कंसीलर पैलेट से। ये देखिए इस तरह से, उसको भी मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर से ही सेट कर रही हूँ थोड़ा। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ब्लशर के लिए रेड कलर की लिपस्टिक यूज़ की है इस तरह से। ये लिक्विड लिपस्टिक थी। अब उसके बाद पूरा रेडी होने के बाद देखिए इस तरह से लुक आया है। हाईलाइट किया है मैंने अपने चीक को, नोज़ को। और फ्रेंड्स, बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।